नमस्कार साथियों, आप में से बहुत से लोगों ने जो कि मुझको पर्सनली भी जानते हैं और YouTube पर भी बहुत से लोगों ने कमेंट किए कि मैं डाई और प्रेस टूल से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में वीडियो बनाऊं। तो साथियों, मेरी आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है, मतलब कि आज की इस वीडियो में हम डाई और प्रेस टूल से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। और साथियों, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं, क्योंकि जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो मेरे इस चैनल पर एक कम्युनिटी ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पर मैं आप सबके लिए नई नई जॉब्स शेयर करना शुरू कर दूँगा। और साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझको कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में जानेंगे। तो इसको समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक की जो हमारे पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि जो एचआर टाइप के होते हैं, और दूसरे की जो हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे काम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो जो हमारे पर्सनल या एचआर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो बेसिकली इंटरव्यूअर सिंपल क्वेश्चंस कर लेता है ताकि हम वहाँ पे उस टाइम पर अपने आप को कंफर्ट कर लें। तो इसमें वो छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी एज कितनी है, आप कहाँ के रहने वाले हो, शादी हुई या नहीं हुई है, ये मतलब कि छोटे मोटे दो चार क्वेश्चंस पूछ लेता है कि ताकि आप वहाँ पर अपने आप को कंफर्ट कर लें। और या फिर वो ऐसे भी पूछ सकता है कि आप अपने बारे में बताओ। तो ऐसे टाइम पर जब वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, मतलब कि अगर वो आपसे आपके बारे में पूछता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपना नाम बताना है, नाम के साथ एज और कहाँ के रहने वाले हो ये बताना होता है। और उसके बाद फिर आपको ये बताना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, आप वहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हो और आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए। और इसके बाद फिर आपको अपनी एजुकेशनल और फैमिली डिटेल्स के बारे में बताना चाहिए। आप अपनी डिटेल्स के हिसाब से और इन्फॉर्मेशंस भी ऐड कर सकते हैं ताकि आप अपने बारे में और ज़्यादा चीज़ें बता सकें। साथियों, अगर आपको वीडियो लंबी लग रही है या फिर आपको जो टॉपिक चाहिए वो टॉपिक अभी तक नहीं मिला है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ पे टाइम स्टैम्प पर जो टॉपिक आपको चाहिए उस टॉपिक पर क्लिक करके आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब हम टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि जो कि इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन करता है और वो हमारे फील्ड से रिलेटेड होते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि कटिंग और नॉन कटिंग में क्या डिफरेंस होता है। साथियों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यूअर हमसे सबसे पहले यही क्वेश्चन करे, वो कोई सा भी क्वेश्चन कर सकता है। यहाँ पे तो सिर्फ खाली मैं मेन मेन क्वेश्चंस या कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ जिससे आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के लिए एक आइडिया मिल सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कटिंग और नॉन कटिंग टूल में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका आंसर है कि जो हमारा कटिंग टूल होता है उसमें हमारे शीट मेटल की, जो हमारा शीट मेटल होता है उसकी सियरिंग होती है, पियर्सिंग होती है या पार्टिंग होती है, मतलब कि जिस ऑपरेशन में हमारे शीट मेटल में स्क्रैप जनरेट होता है वो तो हमारा कटिंग ऑपरेशन होता है। और नॉन कटिंग ऑपरेशन जिसमें हमारे शीट मेटल की फॉर्मिंग होती है, बेंडिंग होती है या एम्बोसिंग, रीस्ट्राइक, ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, मतलब कि जिस ऑपरेशन में हमारा शीट मेटल में स्क्रैप जनरेट नहीं होता वो हमारा नॉन कटिंग ऑपरेशन होता है। उसके बाद इंटरव्यूअर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कटिंग और नॉन कटिंग ऑपरेशन में क्या क्या डिफेक्ट आते हैं या कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। इस टॉपिक पर मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं कि उसमें हमारे कटिंग और नॉन कटिंग में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, उन डिफेक्ट को कैसे दूर करते हैं, तो आप उन सब वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यूअर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर सकता है कि कटिंग और नॉन कटिंग इंसर्ट्स के लिए या डाई के लिए हम कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं, या फिर डाई में कास्टिंग के लिए हम कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं, डाई में पिलर बुश, गाइड पिलर, वियर प्लेट, इन सब के लिए कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर, आप उस वीडियो को भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटिंग और नॉन कटिंग डाई में जो हमारा डाई और पंच होता है या फिर डाई बटन है और पंच है उनके बीच में हम कितना क्लीयरेंस रखते हैं, उसमें कितना क्लीयरेंस मेंटेन करना होता है, जो हमारा मतलब कि वैसे ड्रॉ ऑपरेशन है उसमें कितना क्लीयरेंस होता है, पियर्सिंग कर रहे हैं उसमें कितना क्लीयरेंस मेंटेन करना होता है, या फिर फॉर्मिंग है, बेंडिंग है, ट्रिमिंग है, रिस्टाइक है, तो इन सब ऑपरेशंस में हमको डाई और पंच के बीच में कितना क्लीयरेंस मेंटेन करना होता है। तो इसके लिए एक तो हमारा सिंपल थंब रूल होता है जो कि 5% होता है सीट थिकनेस का, वो भी पर साइड, और या फिर कह सकते हैं कि 10% हम क्लीयरेंस मेंटेन करते हैं कटिंग टूल के लिए। और जो हमारी नॉन कटिंग डाइज होती हैं मतलब कि जैसे हमारी ड्रॉ डाई है या फॉर्मिंग है, बेंडिंग है, तो इसमें जो क्लीयरेंस होता है वो सीट थिकनेस के ही बराबर हम मेंटेन करते हैं, और इसको मेंटेन करने के लिए हम लीड वायर की हेल्प लेते हैं। लीड वायर के छोटे छोटे टुकड़े हम डाई में अलग अलग जगह पर रख देते हैं और उससे हमको पूरा प्रॉपर गैप मेंटेन करना होता है। जब हम कोई सा भी कटिंग ऑपरेशन करते हैं, पियर्सिंग है, ट्रिमिंग है, तो उसमें पंच और डाई बटन के बीच का जो क्लीयरेंस होता है वो निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, तो मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बना रखी है, आप उसको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटिंग क्या होती है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं और इनको हम कहाँ कहाँ पर करते हैं और इसको हम किस लिए करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल बोल सकते हैं कि वैसे तो जो हमारी कोटिंग होती है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन जो हम अपनी डाई में करते हैं उसके दो ही टाइप होते हैं, एक तो हमारी होती है पीवीडी कोटिंग और दूसरी है क्रोम प्लेटिंग। ये जो हमारी कोटिंग है इसको हम ड्रॉ ऑपरेशन में, फॉर्मिंग में, बेंडिंग में या रिस्ट्राइक, मतलब कि हमारे जितने भी नॉन कटिंग ऑपरेशन होते हैं हम उन सब टूलों में ये कोटिंग करते हैं। और जब हमारे पार्ट में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग आ रही होती है या फिर पार्ट में जगह जगह पर स्क्रैच मार्क आने लग जाते हैं, तो उन सब स्क्रैच मार्क को दूर करने के लिए या उन सब मार्क्स को एलिमिनेट करने के लिए, स्कोरिंग को ख़त्म करने के लिए हम अपनी डाई में या इंसर्ट्स में कोटिंग करवाते हैं। और जो ये हम कोटिंग करवाते हैं इससे क्या होता है कि जो हमारी डाई का सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, उसमें जो मटेरियल की फ्लोएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इससे जो हमारा मटेरियल है वो आराम से फोम हो जाता है, उसमें मटेरियल का फ्लो बहुत बढ़िया हो जाता है और उसमें स्कोरिंग या स्क्रैच मार्क ये सब नहीं आते हैं और हमारे इंसर्ट्स की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पीवीडी कोटिंग का मतलब होता है फिजिकल वेपर डिपोजिशन, और ये हाई टेंसाइल सीट के लिए या फिर ज़्यादा सीट थिकनेस के लिए और या फिर स्टील इंसर्ट्स, इन सब जगह पर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो क्रोम प्लेटिंग होती है उसको हम जहाँ पे हमारी सीट थिकनेस कम होती है या लो टेंसाइल सीट्स होती हैं या स्किन पैनल की सीट्स होती हैं उन सब जगह पर यूज़ करते हैं। और कोटिंग करने के बाद हमको अपनी डाई में पॉलिशिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ लिमिटेड स्टॉक्स के बाद हमको अपनी डाई को क्लीन करना पड़ता है ताकि उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर जो हमारे सीट मेटल के डस्ट होते हैं, लेयर्स होते हैं, वो हमारे जो कोटिंग के इंसर्ट्स होते हैं उन पर चिपक जाते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हमको अपनी डाई को क्लीन करना होता है। ये कोटिंग तो नॉन कटिंग टूल के लिए थी, मतलब कि जो हमारे ड्रॉ, फॉर्मिंग, बेंडिंग या रिस्ट्राइक होते हैं उन सब टूल्स के लिए थी, लेकिन हम अपने कटिंग टूल के लिए मतलब कि जो पियर्सिंग पंच होते हैं उनके लिए भी कोटिंग का यूज़ करते हैं। और ये हमारे ज़्यादातर जो पियर्सिंग पंच होते हैं हम उनमें यूज़ करते हैं, और जहाँ पर हमारी ज़्यादा सीट थिकनेस होती है हम उन जगहों पर पंच में कोटिंग के लिए यूज़ करते हैं, पियर्सिंग पंच में कोटिंग का यूज़ करते हैं। और जो कोटिंग हम पियर्सिंग पंच में करते हैं वो या तो कार्बाइड की या तो टाइटेनियम की, टंगस्टन की या क्रोमियम की, इनकी लेयर से की जाती है। और साथियों जब भी हम इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो एक और कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल्डिंग क्या होती है और इसको हम कब करते हैं और कहाँ पर कौन सी वेल्डिंग की जाती है। वैसे तो हर जगह के लिए वेल्डिंग स्टैंडर्ड मतलब कि हर कंपनी के अलग अलग वेल्डिंग के स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन जो बेसिकली या मेनली वेल्डिंग के स्टैंडर्ड्स हम यूज़ करते हैं मतलब कि कौन सी जगह पर कौन सी वेल्डिंग रोड यूज़ करनी है, ये बहुत ज़रूरी होता है और इनको बहुत ध्यान में रखना होता है कि हमको कौन सी जगह पर कौन सी वेल्डिंग रोड यूज़ करनी है। और वेल्डिंग दो टाइप की होती है, एक तो सिंपल वेल्डिंग जो कि आर्क वेल्डिंग होती है और दूसरी होती है टिग वेल्डिंग
जिसको हम बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। और जो ये आर्क वेल्डिंग होती है, इसको तो हम बहुत बड़ी बड़ी जगह पे, जहाँ पे हमको ट्रिम के लिए काम करना होता है, सरफेस के लिए काम करना होता है, या फिर हमारा जो कटिंग एज है अगर वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पर हम आर्क वेल्डिंग करते हैं। और जो हमारी टिग वेल्डिंग होती है, हम उसको माइनर जगह पर या बहुत क्रिटिकल एरियाज़ उन जगह पर करते हैं। और या फिर जो हमारे बहुत माइनर जो ऐसे कटिंग एज डैमेज हो जाते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए हम वहाँ पे टिग वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। आर्क वेल्डिंग में और टिग वेल्डिंग में, दोनों वेल्डिंग में हम सेम नंबर्स की रॉड यूज़ करते हैं, लेकिन जो ये आर्क वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग है, इसमें सिर्फ खाली इतना फ़र्क होता है कि जो आर्क वेल्डिंग होती है उसकी रॉड पर साइड में फ्लक्स लगी हुई रहती है, और जबकि जो टिग वेल्डिंग हम यूज़ करते हैं उसकी रॉड पर कोई फ्लक्स नहीं लगी हुई होती। स्टील इंसर्ट्स के लिए हम ज़्यादातर 7400 या 7800 की वेल्डिंग रॉड को यूज़ करते हैं, और अगर हमको जहाँ पे जॉइंट्स करने होते हैं तो वहाँ पे 6500 या 610 नंबर की वेल्डिंग रॉड का यूज़ करते हैं। जबकि जब हम अपने कास्टिंग के इंसर्ट पर वेल्डिंग करते हैं, तो वहाँ पे 8800 या 8600, जो कि हमारे ड्रो डाई के लिए यूज़ की जाती है, हम वहाँ पे इन नंबर की वेल्डिंग रॉड को यूज़ करते हैं। और इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वेल्डिंग रॉड 6013 होती है, जो कि MS के लिए यूज़ होती है। और ये हर जगह पर जहाँ पे हमको फैब्रिकेशन का काम करना होता है, या जो डाई में नॉन फंक्शनिंग एरिया होते हैं, या सीट मेटल या स्टील मटेरियल को वेल्ड करने के लिए हम MS की रॉड, मतलब कि 6013 की रॉड को यूज़ करते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हमने इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं, या आपका कोई सजेशन है उसको शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।